इसी बीच में एक और खबर इटावा से है। एआरएम ने रात में बस स्टेशन पर जायजा लिया। बस में सफर कर रहे यात्रियों से अपील भी की गई है कि कोहरा हो तो बस को चलाने का ड्राइवर कंडक्टर पर दबाव न डालें। बस ड्राइवर को कोहरे के हालात में बस सुरक्षित जगह खड़े करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, यात्रियों से भी अपील की गई एआरएम के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, निगम के, कि वो बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर रात को चलने का दबाव न डालें। पिछले दो दिनों से घने कोहरे के चलते जो हादसे हुए हैं उसको लेकर के यूपी रोडवेज की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि कोहरे के चलते जो यूपी रोडवेज की बसों में यात्री सवारी कर रहे हैं उनकी किसी भी तरह से जान माल के साथ नुकसान ना हो, उसको लेकर के यूपी रोडवेज बराबर सतर्कता बरत रहा है। यहाँ लोगों से अपील की जा रही है, जो सवारी है उनसे अपील की जा रही है कि वो अगर कोहरा पड़ता है। ये अपने गाँव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो रास्ते में ड्राइवर पे या परिचालक पर दबाव न बनाया जाए बसों के संचालन के लिए, और कोहरा पड़ता है तो बसों के संचालन को थोड़ी बहुत देर के लिए रोका जाए। हमारे साथ इस वक्त एआरएम साहब मौजूद है। सर, जो कोहरा पड़ रहा है किस तरह के आदेश मिले आप लोग? सर, ऐसा है कि अभी पिछले दो दिन से कोहरे में काफ़ी अधिकता आ गई है जिससे विजिबिलिटी हमारी बहुत कम हो गई है। तो मैं अपने स्टाफ को, क्रू को ये निर्देश दिया हुआ है कि यदि आपको रूट पर अगर कोहरा अधिक है और किसी तरह से अगर दिक्कत हो रही है तो आप बस का संचालन थोड़ी देर के लिए रोक दें। अगर रास्ते में अगर आप रोकना चाहें तो मेरे पास ढाबे है, जैसे टोल टैक्स है, या निकटतम बस स्टैंड पर आप गाड़ी को रोक दें और पैसेंजर्स को, मेन हमारा जो है, हमारा मकसद ये है कि सुरक्षित यात्रा करानी है मुझे। मेरा ये मकसद है, मेरा ये है कि बस को सुरक्षित, परिचालक कंडक्टर दोनों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यात्रियों को कोई किसी प्रकार की कोहरे में दिक्कत ना हो और सुरक्षित उनकी यात्रा हो। रात्रिकालीन सेवाएं जो हमारी चल रही हैं उनमें हम लोगों ने रिशेड्यूलिंग की है। जो रात्रि में सेवाएं चल रही हैं उनको हम लोगों ने रिशेड्यूल करके दिन में सेवाओं को संचालित कराने का निर्णय लिया है। ये हमारे साथ इटावा डिपो के एआरएम थे जो कि बराबर यहाँ बस स्टैंड पर घूमकर अपने कैंप कर रहे हैं, अपने ड्राइवर कंडक्टर से बातचीत कर रहे हैं और यात्रियों से भी बात कर रहे हैं कि अगर घना कोहरा जिस तरह से बराबर पड़ रहा है अगर वो रास्ते में मिलता है तो उसको लेकर के बसों का संचालन थोड़ी बहुत देर के लिए रोका जाए जिससे कि यात्रियों की जान माल के साथ कोई नुकसान ना होने पाए। मोहम्मद तारिक, एबीपी गंगा, इटावा। और इतने एहतियात के बाद भी कानपुर से खबर आ रही है। अमेठी डिपो की बस वहां पर हादसे का शिकार हो गई है। कामा गांव के पास नेशनल हाईवे पर ट्रक से जा टकराई थी बस। अमेठी से दिल्ली जा रही थी रोडवेज की बस। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत की भी खबर है और इसके अलावा बस में सवार 8 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। कामा गांव के पास नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। यह बस अमेठी से दिल्ली जा रही थी, ट्रक से टकराई, ट्रक ड्राइवर की मौत। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।